चलिए, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन है, इतने बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हम लेक्चर कर रहे थे उसमें हमने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन समझा था। क्या था कि सिंपल केस लेके चल रहे थे, टू एनर्जी लेवल्स हैं और जो हमारे एटम्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में हैं। जब बाहर से कोई रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग, इसको हम पंपिंग भी बोलते हैं। जब एटम अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में ऑक्यूपाई होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में ऑक्यूपाई होता है और बाहर से हम कुछ एक्सटर्नल एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं और वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग। तो क्या होता है, एटम अपनी हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। हम जानते हैं जो एक्साइटेड स्टेट है उसका लाइफ टाइम 10^-8 सेकेंड होता है, जो बहुत शॉर्ट होता है। तो 10^-8 सेकेंड बाद एटम को वापस से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करना होता है और एटम हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। अब ये फोटोन जो स्पॉन्टेनियस फोटोन आया, ये क्या करता है, जो बाकी एटम्स ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हैं, E2 स्टेट में हैं, उन एटम को स्टिमुलेट करता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। तो जो नॉर्मली क्या होता है, लेजर के अंदर जो फर्स्ट ट्रांजिशन होता है लेजर एक्शन के लिए, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन बाकी एटम को स्टिमुलेट करता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है जगह कि ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हुआ। अब ये स्पॉन्टेनियस फोटोन, इसकी एनर्जी कितनी होगी, E2-E1 के बराबर। ये मीडियम में ट्रैवल करेगा, जो भी मीडियम होगा जिस मटेरियल में हमारा लेजर एक्शन हो रहा है, चाहे वो गैसियस मटेरियल हो चाहे सॉलिड स्टेट हो, उसमें मूव करेगा। जो भी एटम इसको E2 स्टेट में मिलेंगे उन एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए। तो एक फोटोन है, एक एटम से इंटरेक्ट करेगा तो एक फोटोन के बदले में 2 फोटॉन्स मिल जाएंगे। ये 2 फोटॉन नेक्स्ट एटम से इंटरेक्ट करेंगे जो भी E2 स्टेट में है और उन 2 फोटॉन से हमें 4 फोटॉन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एमिशन जो लेजर ट्रांजिशन के लिए होता है, लेकिन आगे फर्दर स्टिमुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन में जो हमें फोटॉन्स मिलते हैं वो सेम फेज के होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से जो हमें फोटॉन्स मिलते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनका जो फेज होता है वो भी अलग अलग होता है।